है कि हमारा ड्रोन इस व्लॉग के बीच में सीज हो चुका था। बड़ा भाई उतने सारे मेरे ही हैं। अच्छा मंजिल कहीं और वे कहीं निकला रास्ता वे मैं की कर रहा बस मेरे लव। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो जैसे ही थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चलेगा कि ये व्लॉग मेले का व्लॉग है। बहुत ही खतरनाक भाई शूट किया हुआ है हम लोगों ने। बट उससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी देता हूँ और एक बैड न्यूज़ देता हूँ। तो गुड न्यूज़ ये है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइजेशन हो चुका है, मतलब अप्लाई के लिए आ चुका है। ठीक है, हमने किया नहीं है। क्यों नहीं किया इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो आप लोगों को मैं ब्लॉग के एंड में बताऊंगा। और सेकंड बैड थिंग्स है कि ये ब्लॉग इतने लेट में क्यों आ रहा है, इसका बहुत ही बड़ा रीज़न है और इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है। लेकिन पहला उससे पहले आप ब्लॉग देखें, पूरा मज़े लीजिए ब्लॉग का, फिर मिलते हैं आपसे एंड में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। तो करते हैं आज की व्लॉग की शुरुआत। तो भाई मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है, दो दिन से बहुत ही तगड़ी बारिश हो रही थी तो मौसम थोड़ा सा ठंड बढ़ चुकी थी, लेकिन फाइनली आज थोड़ा सा मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है और धूप खिली हुई है। और जो ये आज ब्लॉग बन रहा है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हमने पोल्स की थी इंस्टाग्राम पे, मतलब जो लोग इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं उन लोगों को पता है, और जो लोग नहीं जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई इंस्टाग्राम अकाउंट। तो अभी हम लोग जा रहे वाले हैं मेले की तरफ को। तो अभी हम आपको दो व्यू दिखाएंगे, मतलब उस मेले की दो व्यू बहुत ही तगड़े आते हैं। एक तो इवनिंग व्यू, मतलब जो डे वाला व्यू आता है वो वाला, और एक नाइट व्यू। तो मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि भाई हमें मेले का व्लॉग चाहिए, तो हम उनकी रिक्वेस्ट को कैसे नकार सकते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। और बहुत सारी गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको आगे वाले व्लॉगों में, क्योंकि बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हो चुकी है और जो सब हो रहा है वो सब आप लोगों की बदौलत है यार। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ, ऐसे ही मेरी फैमिली आगे बढ़ते रहे, आप लोग प्यार देते रहें। और जिस हिसाब से आपने लास्ट वीडियो में प्यार दिया है ना भाई, मतलब मैंने सोचा नहीं था इतना प्यार मिलेगा, हद से ज़्यादा मज़ा आ गया। लेकिन तो इवनिंग के व्यू में मार्केट आज इसीलिए थोड़ा आप लोगों को डाउन दिख रहा है क्योंकि मेले की वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि जितनी भी हमारी पब्लिक है वो लोग आजकल मेले में इंटरेस्टेड है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है क्योंकि आज यहाँ पे ऑफ भी है, बहुत लोगों की छुट्टियाँ हैं, बहुत दूर दूर से गांव वाले भी आ रखे हैं। तो मज़ा आने वाला है, मतलब आज जो हम मेला देखने वाले हैं, जो आप लोग मेला देखेंगे वो बहुत ही अमेजिंग दिखने वाला है आप लोगों को। तो आपको डायरेक्ट मिलते हैं मेले में। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पुलिस लाइन के गेट पे। तो यहाँ से भाई शुरू है मेले का सीन। तो ये है मेन गेट और यहीं से देखे आप लोग बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। तो चलते हैं अंदर को और इस हिसाब से हमें शूट देखा ना ड्रोन का भाई, उस हिसाब से अंदर जाके बहुत ही अमेजिंग लगने वाला है। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या है इस मेले की खासियत, क्यों इतना भाई लोगों ने मेरे को बोला कि ब्लॉग बनाए। तो तैयार है आप अंदर जाने के लिए? देखिए गोपेश्वर महोत्सव मेला एवं प्रदर्शनी तो यहीं से शुरू हो चुका है। तो देखते हैं अंदर जाके क्या क्या देखने को मिलता है। अरे भैया क्या दिए, तो भैया लगे हुए हैं वो अपने शौक शौक बेचने के। कहाँ से आए हो आप? तो सहारनपुर से इतने दूर आ रखे हो, तो भाई हो रहा है सही? ठीक है, ठंडा कितना हो रहा है? चलो बढ़िया है, अब मज़ा आ रहा है गोपेश्वर में? मज़ा आ रहा है ना, कोई दिक्कत? चलो बढ़िया है, तो मज़े कीजिए आप लोग। ठीक है, तो भैया देखिए आप लोग यहाँ पे भाई बहुत दूर दूर से लोग अपने सामान को सेल करने आ रखे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। हेलो भैया कैसे हैं? बढ़िया हैं। कब आए आप? तो ये देखिए हमारे छोटे छोटे सब्सक्राइबर है ना, हाँ व्लॉगिंग कर रहे हैं, आप लोग भी आएंगे ठीक है वीडियो में? कुछ बोलना चाहोगे व्लॉग में? कुछ बोलना चाहोगे? कुछ भी बोल दो। अच्छा ठीक है, यहाँ देख लेंगे हम लोग। बाय।
तो भाई बहुत ही छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं, मतलब ये सब हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो समझ सकते हो खुशी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। तो यहाँ पे हमारे तन्मय असवाल जी क्या कर रहे हैं? वो पर स्कूटी बेच रहा हूँ। क्या स्कूटी बेच रहा हूँ? हम हमारे लिए फ्री में है, फ्री आपको ले टैक्स रहे। तो ये देखिए हमारे क्या काट रहे हो, ठीक पर्ची बढ़िया है। तो क्या है इसका सीन बताओ भाई हमें पहले। सीन ये है, ये लकी ड्रॉ है। हाँ जी ठीक है। 300 में स्कूटी, 1000 में कार है। तो देखिए जी, जिसको पर्ची कटवानी है तो तन्मय भाई से कॉन्टेक्ट करें, है ना। कब तक के लिए है? 12 तक के लिए। तो चलो देखते हैं भाई, हम लोग आएंगे, हमारा पैसे नहीं है अभी, बाद में आएंगे हम। तो हमारे तन्मय ब्रो यहाँ पे लगे हुए हैं, कॉन्टेस्ट भी चल रहा है, तो उसका ही सीन चल रहा है कि वहाँ पे ये लोग टिकट काट रहे हैं, पर्चियाँ काट रहे हैं। तो 300 रुपये में स्कूटी मिल जाएगी आपको और 1000 रुपये में आपको ऑल्टो का, जो जस्ट पीछे है हमारे। तो अभी हमारा पैसा तो है नहीं, हम सिर्फ घूमने आ रखे हैं आप लोगों की फरमाइश से। या आप लोग कहाँ से आए हैं यहाँ पे? बढ़िया है, सुने लोग बढ़िया। आप लोगों को फिर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मेला लगा है, मैं आप लोग आ रहे हैं अच्छा लग रहा है। मैं तो हमें भी खुशी है कि आप इतना दूर दूर से आ रहे हैं, आप लोगों को मजा आ रहा है मौसम। आप सभी मीडिया मजा आ रहा है, काफी हार्दिक दिल से धन्यवाद। ये मीडिया पे नहीं आएगा, ये आएगा यूट्यूब पे, ठीक है। हम लोग ब्लॉग बनाएगा जी, ब्लॉग बनाते हैं हम अमित स्नेही से, ठीक है ना। तो अभी ब्लॉग बहुत ये मैंने फरमाइश थी कि भाई ब्लॉग बनाया जाए। मेरा नाम विकास, भाई का नाम सरफराज, भाई का नाम डॉन, दिल्ली वाले डॉन, दिल्ली वाले डॉन। हमें कोई दिक्कत हो, दिल्ली को कोई दिक्कत हो, डॉन भाई को, है ना, कर देंगे। तो चले हम भैया, हमारे लिए तो कुछ नहीं, जो आपको पसंद हो छोड़ के जो मर्जी ले जाओ, ये हमारे काम का तो है। चलो भैया ठीक है, धन्यवाद भाई। ओके ओके भाई, चाय पानी को हम पूछते हैं आपसे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं, कैसे हो आप लोग? बढ़िया बढ़िया। कहाँ से आए हो आप लोग? हम पपलियाना। पपलियाना से? ये पपलियाना की ऑडियंस है हमारी। मजा आ रहा है मेले में? बढ़िया बढ़िया। तो एक बार सब लोग हाई कर देंगे, ठीक है हमारे यहाँ दोबारा से। चलो बढ़िया है, मिलते हैं आप लोगों से। हमारी बहुत सी ऑडियंस है यार गोपेश्वर से, तो मुझे बहुत प्यार मिलता है, इसीलिए मस्त लगता है। तो बहुत बढ़िया है कि कितना प्यार देते हैं गोपेश्वर की जनता। तो हमारी शॉर्ट्स अभी अपने शुरू हो रहा है, अभी आधा रास्ता तो हमने कंप्लीट कर लिया है, देखते हैं क्या क्या आगे मिलता है। तो यहाँ देखिए भाई, हमारे बहुत ही भयंकर ताऊ जी जो भाई इस पूरी चरखी को कंट्रोल कर रहे हैं, इनके हाथ में कंट्रोल आ रहा है, तो समझ सकते हो आप लोग कितना खतरनाक वाला सीन है भाई। एक इंसान के पास सारी चरखी का कंट्रोल, तो बहुत ही भयंकर वाला सीन है। तो भाई हमारे कुछ और सब्सक्राइबर मिले हुए हैं, तो सब पहले हाई बोलेंगे, ठीक है दोबारा। बिग फैन, बहुत ही सही सीन है भाई, ये सारी ऑडियंस विद्या मंदिर वाली है, तो बहुत ही सही है, मज़ा आ रहा है, मतलब अभी कितना फीलिंग आ रही है ना, मस्त आ रही है। तो हमारे कुछ कैमरामैन यहाँ भी लगे हुए हैं, बहुत ही सही सीन है, लगे रहे, अच्छा है। तो जस्ट पीछे देखिए भाई, ट्रेन वाला सीन है, तो ट्रेन में बैठने का भी विचार बन रहा है, और जस्ट इधर ड्रैगन और उसके पीछे चरखी तो दिख ही रही थी आप लोगों को, तो देखते हैं क्या होता है। अभी विचार तो बन रहा है कि बैठे ना बैठे, क्योंकि बहुत डर लगता है। अभी हम लोग पहुँचे हैं बहुत ही खतरनाक वाले गेम में, क्या बोलते हैं भैया इस गेम का नाम? रिंग, रिंग का किंग। तो भाई हम लोग भी खेलने वाले हैं, भैया ना बहुत महंगा लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट हम खेलेंगे जरूर। तो भैया देर पहले दो मैं खेलूँगा, दो चिराग खेलेगा, दो हैप्पी खेलेगा, ठीक है। क्या भैया क्या रूल, क्या रूल तो बताओ, कहाँ से फेंकना है? यहाँ यहाँ से क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए? एक फ्रूटी 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 नहीं है, मेरे बस की नहीं होती है भाई, इन लोगों की वजह से करना पड़ रहा है। चलो आप लोग खेलो, हैप्पी करेगा, आप देखते हैं हैप्पी कैसा सीन करता है। कुछ भी ले ले, ले लो।
ठेकेदार जी हुए। हाँ जी। अरे ठेकेदार जी कैसे हैं? चलो बढ़िया है। क्या भाई चिराग? अब बचा मैं। अब बची है चिराग की बारी। हम दोनों तो फेल हो चुके हैं, लेकिन चिराग भाई करने वाले हैं यहाँ पे बहुत खतरनाक वाला सीन। अरे इतना समझ गया यार। तो हम तीनों निशाने के मामले में बहुत ही बेकार है, मैं समझ गया हूँ। तो देखते हैं अब आगे, दूसरा गेम भी देखते हैं। हमारे साथ अभी दीप भाई भी मिले हैं। दीप भाई कैसा? दीप भैया एक गेस्ट को लेकर आए थे पहले। भैया हेलो, वेलकम आपका भुवनेश्वर में। तो कैसा लग रहा है आपको मेले में? बहुत टाइम बाद मजा आ रहा है, बहुत मजे ले रहा है। तो भाई ये है कि अभी यहाँ पे फुटबॉल गेम्स भी चल रहे हैं स्टेट में, है ना? ये दीप भाई लोगों की टीम है, तो वैसे ऑल द बेस्ट। मैं तो आते हैं, लेकिन अभी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। क्योंकि ये ब्लॉग जब तक ये ब्लॉग आएगा तब तक मैच खत्म हो जाएंगे। बट दीपू भाई बहुत ही अच्छे प्लेयर है भाई। अब भैया का मुझे पता नहीं, भैया क्या करते हैं? रामनगर से ऑफिशियल। अच्छा भैया रामनगर से ऑफिशियल। तो भैया आपका वेलकम भुवनेश्वर में, और अच्छा लग रहा है आप लोग जब दूर आए हैं तो मजा आ रहा है आप लोग। दीपू भाई के साथ मजा आ रहा है। चलो बढ़िया भैया। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारी ऑडियंस? बहुत बढ़िया, चलो थैंक यू भैया। ओके बाय। तो एक और शॉप पे आए हम भैया। भैया कहाँ से हैं भैया? हल्द्वानी से। तो बड़े दूर आए आप लोग, है ना? तो कैसा लग रहा है आपको गोपेश्वर में आके? बहुत बुरा लग रहा है। बहुत बुरा? क्यों, क्या हो गया? मतलब आप बताएं। मेला ही नहीं हो रहा है। तो वही दिक्कत है, कस्टमर परेशान कर रहे हैं। परेशान कर रहे हैं। चलो भैया ऐसे ही होता है भैया, क्या करें। यहाँ तो कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ लोग ऐसे ही है ना भैया, बहुत परेशान करने वाले, बहुत अलग लोग मिलते हैं। लेकिन मजा आ रहा है आपको? कोई मजा नहीं, कोई मजा नहीं है। मजा नहीं। अच्छा तो क्या प्रॉब्लम हो रही है हमें बताएं। हम अगली डीलिंग नहीं है, डीलिंग नहीं है। तो क्यों, सॉरी भैया आपको डील नहीं हो पा रही है, हम क्षमा चाहते हैं अपनी तरफ से, है ना? कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम आपके सारे फीडबैक जितने भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो एक और भैया मिले हमें, बहुत दूर से आए हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? हम भाई सब यूपी से हैं। यूपी से हैं। तो कैसा लगा आपको गोपेश्वर? बढ़िया लगा, सुंदर, अच्छे से ठीक है, बढ़िया। और मौसम कैसा लग रहा है? मौसम बहुत अच्छा है, सुहाना मौसम है। पीछे मजा आ रहा है, पहाड़ी मजा आ रहा है पूरा बराबर। तो हमारे एक और खतरनाक इंसान मिले हैं, बहुत खतरनाक इंसान, जिनकी एक वीडियो बहुत वायरल भी है। बिल्कुल डाल दे रहा है फ्रेश, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही सुंदर। आपका नाम क्या? सारे में रही है, हमने इन्हें एक ब्लैंक चेक दिया हुआ है। बिल्कुल अभी ठीक है। इनका नाम क्या है? नाम क्या है? नाम ही तो नहीं है, जो बोल रहे हैं। तो ये हमारे बाबू सोना है, बहुत दूर का है भाई, चमोली। तो जो जो इन्हें पहचानते हैं कमेंट बॉक्स में, जो बिल्कुल नाम लो। और एक चीज और कहना चाहूंगा, सिंगल समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? सिद्धांका जी का दिखाई जाएगी वीडियो। अरे मुंह से निकल गया, मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है भैया। तो अभी मेले में हमें भाई हमारे छोटे भाई पाल जी मिले हैं। पाल जी पहले तो हेलो। ये बहुत दूर से आ रखे हैं मेला देखने। कहाँ से आ रखो ये हमें बताओ भाई? स्पेशली मेला देखने आ रखे हैं भाई, है ना? तो भाई भाई का भी चैनल है हमारा पाल ब्लॉग से। तो आप लोग सब्सक्राइब करें, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं। ये भी भाई मोटो ब्लॉगिंग मोस्टली करते हैं, अभी नया नया चैनल है। तो थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए भाई को और बहुत सारा प्यार दीजिए। और एक छोटे से भैया एक और आ गया हमारे, आप भी आओगे? तो भैया इस पाल का भाई चैनल सपोर्ट करो, बहुत जल्दी सपोर्ट। और मैं इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, ठीक है ना? पाल ब्लॉग्स 11, मतलब 11 यूके 11 वाला सीन है, मतलब चमोली से। तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है ना? ब्लॉग तो देख ही दिया, बहुत मज़ेदार है, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा।
तो कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो अब मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि क्या केस हुआ था हमारे साथ। तो इस ब्लॉग की केस ये है कि हमारा ड्रोन इस ब्लॉग के बीच में सीज हो चुका था एज ए पुलिस वालों की तरफ से। तो क्योंकि मैंने उन्हें अपने सारे कागज वागज दिखाए थे, बट उन लोगों का मानना था कि भाई परमिशन लेना ज़रूरी है, ये सब है, ठीक है, हमने अपनी मिस्टेक, अपनी गलती एक्सेप्ट की जो भी है। लेकिन भाई जो हम लोगों ने ऑन प्रूफ पेपर हमने उन्हें प्रूफ करवा दिया कि हम लोग कहीं पर भी गलत नहीं हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं एंड लीगल तरीके से कर रहे हैं, कुछ भी इलीगल नहीं है। और थैंक यू सभी लोगों का जो लोगों ने मेरी इस समय हेल्प की, सपोर्ट किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, मैं नाम तो लूँगा नहीं क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और उन लोगों को भी भाई मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि यार जो लोग हेट कर रहे हैं ना, जिन लोगों को नहीं पसंद ये वीडियो, ये शॉर्ट्स, ये जो भी है, मतलब मेरे ब्लॉग से रिलेटेड, मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो भाई आप लोग ना देखें। मैं कभी किसी को जिद करता भी नहीं हूँ कि भाई देखो आप लोगों को नहीं आ रहा पसंद, डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक का ऑप्शन है। जिन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है उन लोगों के लिए मैं पूरी मेहनत से व्लॉग्स बनाऊंगा और जितना हो सके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से एक छोटे सा शहर गोपेश्वर इतना तहलका है, इतनी खूबसूरती है इस जगह में, वो सब मैं दिखाऊंगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा भाई, प्लीज़ जिन लोगों को नहीं पसंद वीडियो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को हेट है, हेट कीजिए, सामने पर कीजिए, ऐसा दिक्कत नहीं है। तो यही कहना चाहूँगा लास्ट में। और हमारा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देता हूँ मैं आप लोगों के बोलने पे, क्योंकि मैं चाहता पहले ये व्लॉग आए उसके बाद मैं अपना चैनल मोनेटाइज करूँगा। तो आप लोगों का ये प्यार हमेशा बना रहे, थैंक यू। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो खूब सारे कमेंट करें, खूब सारे लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ। मैं गोपेश्वर दा भी बंदा जिवे आके आया आके, बिना बनाया ना कमाया ना नी गवाया, तेनू मेरी गल्ला सारी सोनी क्यों नी लगदी है, तू लगे प्यारी।